वालेकुम, क्या हाल है नाजीन आपका? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए नमक पारो की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सारे नमक पारे बनते हैं, लेकिन मेरे तरीके से बना के देखिए, बड़े खस्ता बनेंगे। और फिर उसके बाद मुझे फीडबैक दें। आप लोग बेल आइकॉन क्यों नहीं प्रेस करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और मुझे अपना फीडबैक दें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मैदा है 3 कप मैदा, चाय के कप जो होते हैं 3 कप मैदा, उसको छान के मैंने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ठीक है, इसमें बहुत कम चीज़ें डलती हैं, क्योंकि सिंपल सा छोटी सी चीज़ है, स्नैक्स है हमारा, पाकिस्तानी स्नैक किसको कहते हैं हम लोग, तो ये वो है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल लेना है 3 टेबल स्पून। ठीक है, 3 टेबल स्पून मुझे अंदाज़ा है, आप बता कर ले। ठीक है, 3 टेबल स्पून बड़ी जल्दी बन जाते हैं। और इनको हमने अच्छी तरह पहले हाथों से बराबर करना है, इसको क्रम्स करना है इसको, और आटा जो गूंदना है वो सख्त गूंदना है। ठीक है, सख्त सा आटा गूंद के, नरम आटा नहीं गूंदना, सख्त आटा गूंदना है ताकि बनने में आसानी होगी। बस जल्दी जल्दी हमने तो वहाँ पे ऑयल भी गर्म रख दिया हुआ है, क्योंकि जल्दी बनेंगे तो इतना लंबा काम नहीं हमारा। ये देखिए इस तरह क्रम सा बना के, क्योंकि इस तरह फिर सब में ना पूरे मैदे में ऑयल चला जाता है। ये देखिए बस 3 टेबल स्पून है ऑयल। ठीक है, भर के, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर ज़्यादा भी हुए तो तभी ऑयली ऑयली हो जाएंगे। चलिए जी, हमारी हो गई मैदा का मिक्सचर तैयार। अभी हमने पानी डाल के बस सख्त सा आटा गूंदना है, रोटी की तरह नहीं गूंदना, रोटी का नरम होता है, ये जरा थोड़ा सारा सख्त वाला। देखते जाए जितना जितना पानी आपको ज़रूरत है। आटा तो हर कोई घर में गूंथता है और अंदाज़ा भी होगा। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ ताकि नरम ना हो जाए। अगर नरम हो भी जाता है ना इन केस, तो आप थोड़ा मैदा ऐड कर लें। कोई इतना वो तो नहीं है कि वो कुछ ख़राब हो जाएगा, कुछ ख़राब नहीं होता। ये देखिए जी, अभी हमारा आटा तकरीबन, अभी और हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा हुआ तो फिर नरम हो जाएगा आटा। जी अभी हमारा आटा तैयार हो गया है, इसको हम कवर करके रखेंगे ताकि ड्राई ना हो जाए। ठीक है, नमक पार हो गया, अभी हमारा आटा गुन गया। ठीक है, हमने अच्छी तरह बस आटे की तरह गूंदना है, लेकिन थोड़ा सख्त, ठीक है ना, ताकि इसको फ्राई करने में आसानी हो जाए। मिले यहाँ पे हम डाल रख देंगे ताकि। चलिए जी, हमने गरम रखा हुआ है, डो हमारी बन गई है और गरम हो रहा है। अभी आप आ जाए, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। बड़ा आसानी से बनाऊंगी, आसानी से तरीके से। छोटे छोटे पेड़े बना ले, थोड़ा सा अगर कोई चिपकता है तो फिर ऑयल भी ले ले। पतले पतले मैं आपको बताती हूँ कितना बनाना है। खस्ता है ना, तो खस्ते का मतलब ही यही होता है कि आप पतले बनाए, मोटे नहीं रखनी आपने। ठीक है, ये छोटा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से हैंडल हो सके। चलिए जी, अभी हम छुरी से इसको साइडों से उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे
बात नहीं, अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती कोई मसला नहीं है। मैदा भी डाल देते हैं, मैं मैदा नहीं डालूंगी, मैं वैसे ही आपको करके बता देती हूँ, ठीक है? ज़रूरत नहीं है, ऑयल हमारा अभी वो है। इतनी देर जितनी देर वो बनते हम एक और बना लेंगे। आप एक ही दफ़ा बेलना चाहती हैं तो एक दफ़ा ही बेल लें, अगर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में छोटे बॉल करके बेलना चाहती हैं तो वो भी कर लें। वो थोड़ा सा ये हैंडल होना अच्छा हो जाता है ना, वरना तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नमक पारे की शेप यही होती है, टेढ़े मेढ़े भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमक पारे ही है ना, लेकिन असल शेप यही होती है इनकी, डायमंड कट जो होता है। अभी हम ज़रा फ्राई कर रहे हैं, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। जी हमारे नमक पारे तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े से क्रिस्पी है, आप बनाएं और आप देखिए कैसे बने। जी थोड़े गर्म है, जब ठंडे हो जाते हैं ना तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, अभी फ्रेश हैं, गर्म है तो हमारे ज़रा ये देखिए टूट रहे हैं, ये देखिए बहुत गर्म है बहुत ज़्यादा, तो आप इंशाल्लाह बनाएं फिर आप मुझे बताएं। अभी हमारे और भी तैयार हो रहे हैं, आप हमें बताएं आपको कैसे लगे, आप बनाएं अपना फीडबैक दें, और जी आप अपने हमें फीडबैक दें, हमें बताएं कि आपको ये कैसे लगे, ताकि हम आप लोगों को और नई नई रेसिपीज़ लाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगी, स्पेशली बच्चों पे शाम की स्नैक्स में, अभी भी खा सकते हैं बाद में भी खाएं, तो ये घर बना के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत इजी है, बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ हमें अपना बताएं कि कैसे आपको लगे हैं, और ताकि हम आपको अच्छी अच्छी और रेसिपी लाएं, ठीक है? अभी मुझे इजाज़त दें, कल आपको फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।